साउथ सुपरस्टार अजीत कुमार स्टार और विवेगम आज रिलीज हो गई है और इसे लेकर फैंस में कितना जोश है इसका अंदाजा फिल्म की हुई एडवांस बुकिंग से ही लगाया जा सकता है। अजीत कुमार साउथ के बड़े सुपरस्टार हैं जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही हिट हो जाती हैं। बेशक साउथ में रजनीकांत, कमल हासल, महेश बाबू, रविवार तेजा जूनियर, NTR जैसे कई सुपरस्टार हैं, लेकिन अजीत कुमार का अपना ही स्टारडम है। सिर्फ एक्टिंग की वजह से ही वो लोगों के बीच पॉपुलर नहीं हैं, बल्कि उनके कई ऐसे काम हैं जो उन्हें बाकी एक्टरों से अलग बनाते हैं। बेहद कम लोग जानते हैं कि अजीत कुमार अपने पर्सनल स्टाफ और जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहे हैं। इतना ही नहीं, अजीत कुमार ने उनके लिए न सिर्फ जमीन लेकर घर बनाए बल्कि पैसे देकर भी मदद की है। वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं। अजीत कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 में आई एक तमिल फिल्म में छोटे से किरदार से की थी। एक एक्टर होने के अलावा अजीत कुमार रेसर भी हैं। 2004 में उन्होंने ब्रिटिश फॉर्मूला सीजन 3 में फॉर्मूला 2 रेसर के तौर पर भाग लिया और तीसरा स्थान मिला। कार रेसिंग में उनका कोई सानी नहीं, हालांकि ऐसी ही एक रेस के दौरान वो बाल बाल बच गए थे और तब से अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। अजीत कुमार आज स्टारडम के जिस लेवल पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। 1986 में ही उन्होंने स्कूल और पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके बाद उन्होंने रेसिंग को करियर बना लिया। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये रेसर कभी साउथ का इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा कि रजनीकांत, जिन्हें लोग पूछते हैं, को टक्कर कर देगा। आज अजीत कुमार साउथ ऐसे सुपरस्टारों में शुमार हैं जिन्हें फिल्मों की खूब मोटी फीस, मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 16 करोड़ मिलती है। बिना किसी गॉडफादर के अजीत कुमार ने अपनी सफलता की जो इबारत लिखी है वो वाकई काबिले तारीफ है।